अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मुहर्रम का शरबत। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। और मुझे कमेंट भी करके बताया करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है। चलें अब मैं चलती हूँ रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने जेली बनाने के लिए एक कप पानी ले लिया। पानी को मैं गरम कर लूंगी। पानी गरम हो जाएगा थोड़ा तो मैं इसमें जेली डाल दूंगी। पूरा पैकेट मैंने जेली का डाल दिया है एक कप पानी में। उसको अच्छे से मैं चला लूंगी ताकि डिसॉल्व नहीं हो जाता जब तक मैं इसको चलाती रहूंगी। चलाती चलाती रहूंगी। और जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूंगी। जब ठंडा करने के लिए रख दूंगी तो भी शरबत बन जाएगा इसका। पहली हमारी बन चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं इसको इस कटोरी में डाल दूंगी और इसको जमाने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। दूसरी ग्रीन जेली भी हम ऐसी बना लेंगे। और ये अब मैंने ग्रीन जेली डाल दी है इसमें। तो पानी था जो मैंने रेड जेली में डाला था, यही एक कप पानी था ग्रीन में भी। मैं ये वाली जेली इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे कोई सी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये भी कलर बन जाएगी तो हम इसको भी जमाने के लिए रख देंगे। ये हमारी जेली देखें अच्छे से जम चुकी है दोनों। देखिए कितनी टाइट टाइट जमी है। आधा कप हमने रूह अफ़ज़ा ले लिया है, आधा कटोरी हमने चीनी ले ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक लीटर ये हमारा दूध है, इसको हमने बॉयल कर लिया है। बॉयल करके इसको ठंडा कर लिया है। और ये चीनी अब मैं इसमें घोल लूँगी, दूध में अच्छे से मैं इसको घोल लूँगी। चीनी आप कम या ज़्यादा, आप मैंने आपको बताया है कि आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को चीनी ज़्यादा अच्छी लगती है, कुछ को कम अच्छी लगती है। शुगर चीनी हमारी डिज़ोल्व हो चुकी है। अब मैं इसमें रूह अफ़ज़ा डाल दूँगी इसमें और इसको अच्छे से अपने मिक्स कर लूँगी रूह अफ़ज़ा को। तीन चमचे मैंने तुक मलंगा भिगो दिया था और ये देखें तुक मलंगा अच्छे से भीग चुका है। ये तुक मलंगा भी मैं इसमें डाल दूँगी दो चमचे, जितना आपको अच्छा लगे। दो डाल दें आप, तीन डाल दें। मैंने तीन चमचे इसमें तुक मलंगे के डाल दिए। यार अभी ये बादाम और पिस्ते मैंने काट लिए हैं, ये भी इसमें डाल दूंगी। बताओ ना, इसको मैं काट लूंगी पीस में, जेली को छोटे छोटे पीस काट लूंगी इसके। रेड जेली के भी मैं पीस कर लूंगी, ग्रीन जेली भी डाल दूंगी इसमें मैं। रेड जेली भी डाल दूंगी इसमें मैं। केवड़ा एसेंस के दो चार कतरे मैं इसमें डाल दूंगी खुशबू के लिए। थोड़ा सा मैं इसमें बर्फ डाल दूंगी। शरबत हमारा तैयार हो गया। अब मैं इसमें गिलास में शरबत डाल दूंगी। शरबत की रेसिपी मेरी रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स सब कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। और मुझे कमेंट्स भी करके बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अब मैं मिलती हूँ आपसे नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।